हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मैथमेटिका स्टैटिस्टिक्स पे ये चौथा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूस सीरीज देखी थी। कंटिन्यूस सीरीज से हमने अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ा था। तो कुछ सीरीज इस तरीके की भी हो सकती हैं कि हमें समांतर माध्य दिया हो और हमें फ्रिक्वेंसी स्किप कर दी हो, वहाँ पर कोई एक टर्म हमें नहीं दिया हो, तो हम वैसे भी समांतर माध्य की वैल्यू रख के वो स्किप वाली टर्म हम निकाल सकते हैं। तो आज हम कंबाइंड मीन देखते हैं, सामूहिक माध्य। कंबाइंड मीन इसमें सामूहिक माध्य, कंबाइंड मीन। यदि दो या उससे अधिक समूह के साथ हमारे मध्य पदों की संख्या दी हुई तो हम सामूहिक माध्य कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। सामूहिक माध्य को x नॉट बार से डिनोट करते हैं। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, सो ऑन अप टू टर्म्स से आ जाएंगे अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री सो ऑन अप टू, जहाँ पर आपका एक्स नॉट बार हमारा सामूहिक माध्य है। एन वन एन टू एन थ्री आपके जो विभिन्न समूह के पद हैं उनकी संख्या है, और एक्स वन बार एक्स टू बार एक्स थ्री बार हमारे विभिन्न समूह जो दे रखे उनके माध्य हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा कंबाइंड मीन निकालने का। क्वेश्चन देख लेते हैं आपको। जैसे ए फॉर्म दे रखी है, ये बी फॉर्म दे रखी है। हमें कह रहा है कि इसमें आपको औसत माध्य निकालना है। क्वेश्चन है आपका ये, मजदूरों की संख्या, मजदूर की संख्या यहाँ पे और यहाँ पे औसत मजदूरी दे रखी है हमें, औसत मजदूरी रुपए में दे रखी है। तो ए फॉर्म में आपकी मजदूरी की संख्या 100 दे रखी है और फॉर्म बी में हमारी 200 दे रखी है, और औसत मजदूरी ए फॉर्म की 5 और औसत मजदूरी बी फॉर्म की हमें 6 दे रखी है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हमें वैल्यूज दे रखी है एन वन एन टू और एक्स वन बार एक्स टू बार की वैल्यूज दे रखी है। मजदूर की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, और ये आपकी औसत मजदूरी एक्स वन बार हो जाएगी। तो हमें क्लियर हो रहा है हमें एन वन की वैल्यू दे रखी है 100, एन टू की वैल्यू है 200, एक्स वन बार 5, एक्स टू बार हमें 6 वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। हमें निकालना है औसत माध्य निकालना है इसका। औसत माध्य निकाल का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स नॉट बार इक्वल टू एन वन एक्स वन बार, हमारे यहाँ पर दो ही टर्म है तो हम दो ही तक ही लिखेंगे, एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 200 अपॉन एन वन प्लस एन टू, 100 प्लस 200 इक्वल टू, यहाँ से हमारा 500 प्लस 1200 अपॉन 300 इक्वल टू 1700 अपॉन 300। दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बार इक्वल टू 17 अपॉन 3, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे हमें 5.66, दिस इम्प्लाइज एक्स नॉट बार इक्वल टू 5.66 हमें ये वैल्यू मिल गई। कंबाइंड हमने मीन निकाल के औसत माध्य यहाँ से हमने निकाल लिया। तो हमने औसत माध्य कैसे निकालते हैं हमने क्वेश्चन से भी क्लियर कर लिया कि औसत माध्य हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भारित मध्यक। भारित मध्यक भारित मध्यक इट मीन्स वेटेड अरिथमेटिक मीन। भारत मध्य वेटेड
अरिथमेटिक मीन आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सरल मध्यक पढ़ा था, आज हम भारित मध्यक पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका समांतर माध्य निकालने का इक्वल टू एक्स बार डब्लू इक्वल टू समेशन एक्स डब्लू अपॉन समेशन डब्लू। ये हमारा भारित माध्य में भारित माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि से। ये आपकी प्रत्यक्ष विधि से निकालने का फॉर्मूला है। लघु रीति से देख लेते हैं। एक्स बार डब्लू इक्वल टू ए प्लस समेशन डब्लू डी एक्स अपॉन समेशन डब्लू। ये हमारा लघु विधि, शॉर्टकट मेथड से हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये हमारा है लघु रीति से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जहाँ पर डब्लू क्या है, पदभार होगा, और x बार w आपका भारित माध्य दिया होगा, और x आपका पथ का मोल हो जाएगा, और dx आपका एज्यूम्ड मीन हो जाएगा, और उस dx आपका एज्यूम्ड मीन का जो होगा आपका पद विचलन, इट मीन्स डेविएशन हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में आपको निर्वाह सूचकांक दे रखे हैं, जीवन निर्वाह करने के सूचकांक दे रखे हैं, उसकी सहायता से हमें भारित माध्य निकालना है। मध दे रखे क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट है आपका मध, मध में आपका है फर्स्ट आपका भोजन है, सेकेंड है हमारा ऊर्जा व ईंधन, फिर आपका कपड़ा तथा किराया, नेक्स्ट है विविध। ये हमें डिफरेंट टाइप के मत दे रखे हैं, उसमें आपके सूचकांक दे रखे हैं। सूचकांक मिले हमके 352 भोजन में है, ऊर्जा और ईंधन में 220, कपड़ा में आपके 230, गृह कार्य में हमें 160 और विविध में 190 सूचकांक मिल रखे हैं। और आपका भार दे रखा है, W की वैल्यू भी दे रखी है, W इक्वल टू 48 10 8 12 15। ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं। टेबल बना लेते हैं, प्रत्यक्ष और लघु विधि से हम भारित माध्य कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। एक टेबल बना दी हमने। फर्स्ट में आपका मध लिख लिए, भोजन ऊर्जा ईंधन कपड़ा गृह किराया विविध, दूसरे में अपने सूचकांक लिख लिए। अब फर्स्ट टेबल आपकी प्रत्यक्ष विधि की है, दूसरी आपकी लघु विधि की है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, सूचकांक लिख लेते हैं। 352 220 230 160 190। वेट वैल्यूज लिख लगते हैं, 48 10 8 12 15। ये हमने W की वैल्यूज लिख ली। अब x इंटू डब्ल्यू निकाल लेते हैं, x को W से मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 16,896 22,00 1840 1920 2850। ये हमने एक्स डब्ल्यू की वैल्यूज निकाल ली। अब लघु विधि में देखते हैं, डी एक्स आपका डेविएशन कैसे निकलेगा, एक्स इंटू एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हम 270 मान लेते हैं, इसमें से हम कोई भी वैल्यूज मान सकते हैं। हमने यहाँ पे 270 एज्यूम्ड मीन ले लिया। तो अब एक्स माइनस एक्स में से हम एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 82 220 माइनस 270 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 110 माइनस 80। ये हमने डी एक्स की वैल्यूज निकाल ली। अब डब्ल्यू इंटू डी एक्स निकाल लेते हैं, डब्ल्यू को डी एक्स से मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 3,936 माइनस 500 माइनस 320 माइनस 1,320 माइनस 1,200। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें समेशन डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, इन सबको ऐड कर देते हैं। समेशन डब्ल्यू इक्वल टू 93, समेशन एक्स डब्ल्यू की वैल्यू भी हमें चाहिए, समेशन एक्स डब्ल्यू इक्वल टू सारे टर्म्स को ऐड कर देते हैं। 35,706 की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें समेशन डब्ल्यू डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए।
समेशन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें 596। तो सारी वैल्यूज से हम प्रत्यक्ष विधि से भारित मध्यक निकाल लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि से हम भारित मध्यक निकाल लेते हैं। एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू समेशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू इक्वल टू समेशन समेशन एक्स डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं 35,706 अपॉन 93 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 276.4 रन हमें प्रत्यक्ष विधि से एक्स बार डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही हम लघु विधि से निकाल लेते हैं। लघु विधि से एक्स बार डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी हमें ए प्लस समेशन डब्ल्यू डी एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। एज्यूम्ड मीन हमने मानी वैल्यू 270 प्लस समेशन डब्ल्यू डी एक्स की वैल्यू आई है आपकी 596 अपॉन समेशन डब्ल्यू की वैल्यू है 93। तो सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 276.4। तो आपकी लघु विधि से भी वही वैल्यू मिलेगी जो हमें प्रत्यक्ष विधि से मिली थी। तो हमने अभी ये भारित माध्य कैसे निकालते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम मध्यिका देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्यिका। अभी तक हमने समांतर माध्य में डिफरेंट टाइप की सीरीज पढ़ी। हमने फर्स्ट पढ़ी थी हमने इंडिविजुअल, उसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद हमने कंटिन्यूस सीरीज देखी। आज हमने भारित मध्य कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ा, और इससे पहले हमने कंबाइंड मीन भी देखा कि कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्यिका। अब हम मध्यिका पढ़ते हैं। मध्यिका इट मीन्स मीडियन या मध्यिका। तो मध्यिका किसे कहते हैं? हम कभी किसी दी हुई सीरीज को अगर मूल्यों को हम आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम उस सीरीज को रख देंगे तो उनके जो मध्य में जो मूल्य आएगा उसे हम मध्यिका कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू दे रखी है 5, 9, 4, 8, 6, 10, 7। मध्यिका की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम पद के मूल्यों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर रखें तो उनका जो मध्य मूल्य होगा वही उसका मध्यिका कहलाएगा। तो इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया तो हम डेफिनेशन में कह रहे हैं कि अगर आरोही में अवरोही क्रम अगर व्यवस्थित करें तो उनका जो मध्य मूल होगा वही मध्य कहलाएगा। तो मध्य मूल क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 टर्म्स हैं तो 3 साइड से ले लेते हैं 3 साइड्स, तो बीच का टर्म क्या आपका 7। मध्य में आपका मूल क्या है? 7 है। तो ये इस सीरीज का क्या हो जाएगा? मध्य का कहलाया जाएगा। दाएं और बाएं साइड आपके बराबर नंबर होने चाहिए। यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड भी आपके 3 हैं, इसके राइट साइड भी आपके 3 संख्याएं हैं, तो इसके बीच का जो पद हो जाएगा वही आपका मीन कहा जाएगा। तो मध्यिका के आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड भी क्या होंगे? सेम नंबर नेम सेम पद होने चाहिए। वो राइट साइड और लेफ्ट साइड में उसके सेम पद होंगे, जो बीच वाला टर्म होगा वो उसका मध्यिका कहा जाएगा। मध्यिका ज्ञात करने के सीरीज देख लेते हैं। मध्यिका ज्ञात करना, मध्यिका किसे कहते हैं ये तो हम समझ गए। मध्यिका मीन किसे कहते हैं ये तो हमने देख लिया। अब हम मध्यिका ज्ञात करना सीखते हैं। फर्स्ट आपकी व्यक्तिगत सीरीज, इसमें इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे मध्यिका निकालेंगे। फर्स्ट आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, अगर गिवन सीरीज व्यक्तिगत सीरीज होगी इट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज होगी तो हम कैसे मध्यिका फाइंड करेंगे।
व्यक्तिगत श्रेणी में भी हम क्या करें, समस्त पदों को क्या करें, आरोही या अवरोही, इट मीन्स इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद निम्न आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है आपका व्यक्तिगत श्रेणी में एम इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू टर्म, जो आपका एन प्लस वन अपॉन टू के उसमें जो आइटम टर्म आगे पद आकार आएगा वही उसका मीडियन हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन टू वे पद का आकार। मीडियन किसे कहेंगे, अगर हमें व्यक्तिगत श्रेणी दी होगी तो उसमें हम मीडियन निकालेंगे, एन प्लस वन अपॉन टू वे पद का आकार जो होगा वही उस श्रेणी का आपका मध्य का मीडियन कहा जाएगा। यहाँ पर आपका एम इक्वल टू मीडियन है, इट मीन्स मध्य का है, और एन आपका पदों की संख्या है। व्यक्तिगत श्रेणी में हमें मीडियन निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, साइज ऑफ एन प्लस वन टर्म, जो आपकी एन प्लस वन अपॉन टू का पद का आकार होगा वही उस श्रेणी का आपका मीडियन होगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 10 विद्यार्थियों के सांख्यिकी में निम्न प्राप्तांक आए, इनकी सहायता से, जो प्राप्तांक है उनकी सहायता से प्राप्तांकों का हमें क्या निकालना है, मध्य का निकालना है, प्राप्तांकों का मध्य का ज्ञात कीजिए। तो हमें 10 स्टूडेंट्स के आपके स्टैटिस्टिक में प्राप्तांक दे रखे हैं, उसके क्या करने हैं, हमें उसके प्राप्तांकों से हमें मध्य का निकालनी है। तो प्राप्तांक हमें दे रखे हैं 18, 30, 35, 33, 15, 20, 45, 41, 32 एंड 12, ये हमें प्राप्तांक दे रखे हैं। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट हमें क्या करना है, पदों को हमको क्या करना है, आरोही क्रम में लिख लेने हैं। तो आरोही क्रम में टर्म्स लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 12, 15, उसके बाद हमारा 18 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 फिर 33, फिर 35, 41 एंड लास्ट आपका 45। हमने ये आरोही क्रम में लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें पदों की संख्या है, एन आपकी पदों की संख्या दे रखी है, एन स्टूडेंट है तो पदों की संख्या हमारी 10 हो जाएगी, ये हमारी पदों की संख्या होगी। अब हमें निकालना है एम, मीडियन फाइंड करना है। एम इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम, तो एन प्लस वन वे पद का हमें क्या देखना है, आकार देखना है। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी साइज ऑफ एन प्लस वन, एन कितने हैं आपके 10, 10 प्लस वन अपॉन टू आइटम, इस आइटम पे हमें ये वैल्यू जो मिल जाएगी, साइज मिलेगा वही उसका मीन कहा जाएगा। इक्वल टू हमें वैल्यू मिल रही 5.5 आइटम, ये हमें एम की वैल्यू ये मिल रही है। तो 5.5 आपका क्या आएगा, 5.5 अथवा 5 और 6 के मध्य होगा। हमारा क्या होगा, 5.5 किसके मध्य आएगा, 5 और 6 के मध्य में आएगा, जहाँ 5वां पद आपका, पांचवा पद हमारा 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद आपका 30 है और छठा पद आपका 32 है। तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वही मध्य का होगा, कि वैल्यूज क्या आएगी आपकी 5.5 पद का आकार। तो 5.5 पद का आकार क्या हो जाएगा आपका, एम इक्वल टू जो पांचवे नंबर का पद है आपको उसकी वैल्यू है 30, और सिक्स्थ वाले पद का, पद की वैल्यू है 32 अपॉन 2,
उन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 62 अपॉन 2 इक्वल टू 31। तो हमें प्राप्तांकों का मीडियन क्या मिल गया, मध्यिका मिल गया हमें 31। तो हमने मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया, पद जो दे रखे हमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो पदों की संख्या हमें 10 दे रखी। उसके बाद हमने एम की वैल्यू निकालने के लिए साइज ऑफ एन प्लस 1/2 पद का हमने साइज देख लिया। एम प्लस 1/2 पद का आकार क्या है आपका 5.5 है। तो 5.5 कैसे, किन किन के बीच में आपका पाँचवें और छठे जो नंबर पद है उनके बीच में आपका 5.5 आएगा। तो हमें क्या करना है, पाँचवें और छठे पद के बीच जो नंबर दे रखे उनको सम करके 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो ही मीडियन हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं 5.5 और आपका पद का आकार, तो 5.5 कहाँ पर आएगी, ये 1, 2, 3, 4, 5 5 ये है, 6 ये है, तो 5.5 क्या आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो 30 और 31 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 31 आएगी। तो हम डायरेक्टली भी यहाँ से सीरीज से ही निकाल सकते हैं, फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ से पद का आकार देखेंगे 5.5 सीधे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 10 है, 10 का 10 प्लस 1 करेंगे तो 5.5 आ रहा है। 5.5 इसके मीडियन कौन हो जाएगा, 30 और 32 के बीच में आपके 10 टर्म्स हैं, आधे आधे बांट लेते हैं, आधे लेफ्ट साइड आधे राइट साइड, 5 इस साइड हो जाएंगे 5 इस साइड। तो बीच में कौन आएगा, 30 और 32 के बीच में आपका 31 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के भी यहाँ से मीडियन निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जो आपका 5.5 आया है वो 5 और 6 के बीच में होगा, तो 5th और 6th वाले टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। तो आज हमने इंडिविजुअल सीरीज देखी, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।